चैतन्य महाप्रभु कहते हैं परम विजय से श्री कृष्ण संकीर्तनम, जितने भक्ति के अंगों में ये जो कीर्तन का कीर्तना के भक्ति ये सर्वश्रेष्ठ रूप में जय जयकार हो। इसलिए यहाँ पर आने पर कीर्तन करने का भक्ति का जो फल है अपनी आप हमें ये प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ये जो स्थान है आप लोग ने श्रवण किया, गो ध्रुव, गो मतलब होता है गाधी, ध्रुव मतलब होता है बट वृक्ष, वृक्ष यहाँ पर पहले विशाल बट वृक्ष था और यहीं पर ही इंद्र ने यहीं पर आ करके उन्होंने सुरभि गाधी के अन्य व्यक्त में जिस समय इंद्र ने हम लोग ने महाराज से श्रवण किया, जिस समय इंद्र ने जी जान उसने लगा दी है ये पूरा का पूरा ब्रज मंडल को डुबाने के लिए, लेकिन कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने बाम हाथ नहीं कनिष्ठ अंगुल नहीं कनिष्ठी का अंगुल नाथ गोपर में उन्होंने श्री उठा लिए। गिरिराज महाराज की इंद्र ने जी जान उसने लगा दी। 7 दिन तक वज्रपात, उल्लास, वृष्टि, हाथी के सूर जैसे जलधारा की बारिश किया, लेकिन बाद में इंद्र ने एक दूत को भेजा, भैया देख करके आओ ब्रजवासियों का सत्यानाश हो गया कि नहीं। एक इंद्र नीचे आकर के देख, एक तो ऊपर देख करके गया, बोले तो महाराज इंद्र ब्रज में एक चिट्ठी तक अभी नहीं सब खत्म, और एक तो भैया भैया तू जाकर देख करेगा, तो देख कर जब आया बोले तो ब्रज में चिट्ठी किया, ब्रज का जो चिट्ठी भी मरे नहीं, वहां पर तो धूल उड़ रहा था, वहां पर तो सबके सब ब्रजवासी कृष्ण के दर्शन करते हुए आनंद में वहाँ सबके सब नृत्य कीर्तन कर रहे थे, वहाँ सबके सब आनंद में महोत्सव हो रहा था। उसने जब वापस गया इंद्र ने कहा बताओ ब्रजवासियों का सत्यानाश हो गया कि नहीं, बोले ब्रजवासियों का सत्यानाश क्या तेरा ही सत्यानाश हो गया, बोले मतलब बोले जिसको तुम साधारण बालक समझ रहा था बालक नहीं वो तो कनिष्ठ गिरिराज गोवर्धन को उठा करके रख लिए, सारे ब्रजवासी वहां पर आनंद में महोत्सव कर रहे हैं। इसलिए इंद्र को अभी प्रश्न है, जब देखा भैया ये कौन है, ध्यान लगा करके मेरे को कृपा बता रहे नहीं, बलि से उन्होंने इंद्रपद को ले करके, इंद्रपद को बलि ने ले लिया था, उनसे ले करके कृपा लिया। अमरावती ने जब सती को साथ में आई, फिर गुरु जी के पास में गए, हाथी को पास में गए, फिर ब्रह्मा जी ने कहा मेरे सत्यानाश ये जो कृष्ण है ना ये साधारण नहीं, ये कृष्ण अवतार में उन्होंने सभी की घमंड और उन्होंने चकनाचूर कर दिया है, किसी की घमंड बढ़ा नहीं, मैं भी कुछ दिन पहले बड़े आप ही पड़ गए थे, बोले हाँ करके जो ब्रह्म लोक में पहुंचा ना कृष्ण स्वयं ब्रह्मा बन करके मेरे गति को कर लिया, जो चौकीदार थे मेरे को वहां से भगाए, बोले तुम कहां से 4 सर लगा करके आ गए, इसलिए उनकी चरण में इतने नाक रगड़ना पड़ा, इतने नाक रगड़ा मैंने, बोले अभी क्या करेंगे, फिर उनका नाम है गोपाल जो गैया को काबू करते हैं, इसलिए चलो सुरभि गाधी की अनुगत्य में अगर जाओगे हो सकता है तुम्हारे अपराध को माफ कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने सुरभि गाधी की अनुगत्य में ही यहीं पर उन्होंने जा करके कृष्ण को चरण में माफी मांगा। नम नारद मुनि सब देख ताली कांडव गति मुंडन भारी सन 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 कार्तिक गन 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 गंधर्व गन नाम 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 नारद मुनि सब देख ताली कांडव गति मुंडन नाचत गिरि। इसलिए जिसको देख करके ब्रज गोपियां को जिसको देख करके कृष्ण के चरण में निहाल गए, लूट गए उनके चरण, बोले बाबा रे बड़ा पहलवाने है, कहते ये गई अच्छा, और यहाँ पर श्री और किस नाम किया सुरभि कुंजन आय में आए, कहते यहाँ जो स्थान है कहते अपराध भंजन पाद है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कृष्ण नाम कर अपराध है विचार, अपराध रे नाम ले ले ना है विकार, किंतु गौर नित्यानंद प्रभु नामे नाही से विचार, नाम ले ले प्रेम दय बहे असुरधार, लेकिन महाप्रभु का नाम पर
नाम में कोई अपराध का कोई विचार नहीं। यहाँ आने पर क्या होगा, हमारा जितने अपराध हुए, क्योंकि अपराध होने पर हृदय द्रवीभूत नहीं होता, आंखों से आंसू नहीं आता है। इसलिए बोले ना, गौरांग बोले तेरा वे खुला शरीर, हरी हरी बोले। महाप्रभु हम सब लोग के ऊपर में आशीर्वाद करे, कृपा करे, ये स्थान अपराध धन पाठ है, जैसे हमारे जीवन का सारे अपराध दूर हो जाए। कृष्ण नाम महाप्रभु का नाम लेकर हृदय में प्रेम जल उठे, और एक दिन राधा कृष्ण का दिव्य लीला में, महाप्रभु का दिव्य लीला में हमारी प्रवेश विचार हो। हरे कृष्ण और लड़का दे सब गुरु रैन वैष्णव, हरे असंग कर सुरभि कुंज और द नेम ऑफ दिस आइलैंड गद्रू। व्हाई सुरभि कुंज? द कुंज मींस ग्रोथ। When India did blunder mistake, he want to omit the name of Braj from world map. You have heard from Sutirtha Maharaj and Sridhar Maharaj. When Indra understood he did blunder mistake, then he is getting no means went to Brahmaji. Brahma told, I also did mistake. Better you can go to Surabhi Devi. Krishna has so much honor and respect and love for cows. If Surabhi will help you, then he will get rid of your honor first and in a further addition of that way. So, when Surabhi came in which Kunja she stayed, this area, so he called Surabhi Kunja. Gotru means, go means cow, dru means tree. A big tree, Surabhi came, so it's called Gotru. So, Gotru. So, he had heard all these things, this man before from Nandagram. Once he came early, he is his Gurudev, not his full party. Then Gurudev was telling that when you go out just left side, there is one place called Kumir Gaha. So, there is a big crocodile. Whoever going, the crocodile grabbed them. No cows are taking water, everything. When Srimad Mahaprabhu was traveling with his associate, his close by, there was a goat named Bhim Goat. So he telling one Mama, he has to address Mahaprabhu Mama, his maternal uncle. Please come, my mother arranged butter and yogurt for you, and you have to take prasad there and I will massage your feet. When Srimad Mahaprabhu was going there, the crocodile came. And Mahaprabhu touched his lotus feet, immediate crocodile disappeared from there. This was a Kumir Gaha. And another thing, this Gajaman, sorry, Srinavadip Dham Parikrama started by Srimad Nityananda Prabhu. First to took Jivasa Path came, when Mahaprabhu was going, Ram Kaligram Jivasa's mom, God, Rudvasami and Sanatan Vasami brought Jivasami and offered the lotus feet of Mahaprabhu. When Jivasami growing up, he came to here. Then Jivasami completely surrendered to Nityananda Prabhu, which embodiment of Dham. Whose lotus feet, yogi like Brahma and Sid, not for Brahma, so like them, when people meditate upon in their meditation in their heart, that lotus feet being merciful, Jivasami path. And what has been Parikrama? So Nityananda would ask for Jivasami, then in their party, Bhumsi Balamananda Prabhu, who is incarnation of Krishna's fruit, he and Sivas Pandit, this fourth after he did first Parikrama, Navadvip Dham. After that, in that same sequence, this Parikrama is going on. So many, is Leelas here, so many things are here, there were so many places. So I'm finishing here. Hare Krishna, Kansha, Kalbata, Rupas, Kapita, Sindhu, Bhaya, Vachya, Kapita, Nampara, पालकी ले चलो दीजिए प्रभुपाल की उठे नहीं पालकी दे।